हाँ जी सब्सक्राइबर, वेलकम करता हूँ आपका एक नया वीडियो में। ये वाली जो वीडियो है ना, एकदम लूट वीडियो होने वाली है। अगर आप लास्ट तक का वॉच करोगे ना, तो कसम से अनलिमिटेड इनकम जनरेट्स कर पाओगे। यहाँ पर आज वाली जो ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इस ऑफर से आप अनलिमिटेड कैश इनकम कर पाओगे। ये जो ऑफर है, मैंने यहाँ पर से केवल 70 रुपये या 75 रुपये इन्वेस्ट किया, और बस केवल 70 से 75 रुपये इन्वेस्ट करने का मुझे यहाँ पर से 1100 से 1400 रुपये का कैश मिल चुका है इस वाले ऑफर को ट्राई करने के बाद। ये जो ऑफर है गाइस, बेसिकली एक नई एप्लीकेशन में निकल के आ रही है, जो ऐप का यूज़र नेम है अबरा एप्लीकेशन। अभी ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने वाली है, क्योंकि इसमें जो ऑफर आया हुआ है, इस वाले ऑफर को सुनने और देखने के बाद सब लोग ट्राई करना चाह रहे हैं। ऑफर इस ऐप में कुछ इस टाइप का आया हुआ है, ये नए यूज़र को फ्री में 1100 से 1200 रुपए का कैश प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एंड बस केवल $1 का यहाँ पर आप लोगों को डिपॉजिट करना है। $1 का डिपॉजिट करने के बाद 1 डे का होल्ड करना है। दूसरे दिन आप लोग आ करके देखोगे, जो भी होगा अमाउंट 1100 रुपये या 1200 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, और वो जो 1100-1200 रुपये आएगा ना, उसको आप 7 से लेकर 5 दिन बाद विड्रॉल भी कर पाओगे। इसमें एक और भी ऑफर है, अगर आप $1 के अलावा अगर $15 का डिपॉजिट करते हो, तो 30 दिन का अगर आप लोग उसी $15 को होल्ड पे रखते हो, तो 30 दिन के बाद आपको $25 और मिल जाएगा। यानी मतलब 1500 रुपये से 2000 रुपये आपको इस वाले एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना है, और इतनी सारी बेनिफिट ये वाला एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वेल, अगर आप एकदम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 75 रुपये भी अगर आप लोग इस वाले ऐप में इन्वेस्ट करते हो, तो काफ़ी सारे प्रॉफिट आप लोग कर पाओगे। मैंने इस वाले एप्लीकेशन में अराउंड कुछ रुपये इन्वेस्ट किया है, आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर से केवल 75 रुपये इन्वेस्ट किया है, और आप लोग देख सकते हो 75 रुपये जब मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मुझे 84 CPRX टोकन मिले हुए हैं। यही कंपनी सभी यूजर्स को प्रोवाइड कर रही है $1 के डिपॉजिट पे। और जो 84 CPRX टोकन मुझे मिले हुए हैं, उसका इंडियन वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो भी आप लोग देख लो। मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूं, एंड ब्राउज़र को ओपन करने के बाद 1 CPRX टोकन का वैल्यू है 14 रुपये। और अगर इसी CPRX टोकन को हम लोग 84 से कैलकुलेट करें, तो वो आप लोग देख सकते हो अराउंड 1177 रुपये ये CPRX टोकन का वैल्यू है। आई थिंक जो लोग समझ रहे हैं, वो लोग तो एकदम बेहतरीन से इस वाले ऑफर को ट्राई कर लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अगेन इन्फॉर्म करता हूँ, एक ऐप आई हुई है प्ले स्टोर पर भी, ये वाली एप्लीकेशन अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अकाउंट्स क्रिएट करना है। वेल, वो सब प्रोसेस मैं आप लोगों को सारा इस वीडियो में बताऊंगा। अकाउंट्स क्रिएट करना है, KYC वेरीफाई करना है। KYC वेरीफाई करने के बाद अगर आप कम से कम 75 रुपये डिपॉजिट करते हो, तो 75 रुपये डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर आपको टोटली 1125 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, केवल 75 रुपये का अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो तो। और अगर यही आप लोग 75 रुपये का डिपॉजिट ना करके अराउंड 1200-1300 रुपये डिपॉजिट करते हो, तो 4 से 3500 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। वेल, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक का वॉच करोगे, तो शायद आपको जो इस वाले एप्लीकेशन में डिटेल में जानना है ना, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और इसी कैश को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। A to Z डिटेल्स इस वाली अबरा एप्लीकेशन की इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। रिक्वेस्ट इतनी सी है, इस वाले वीडियो को लास्ट तक का वॉच कीजिए। आप एक नए यूज़र हो, आपको डाउनलोड कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, क्योंकि इसमें आपको $1 का डिपॉजिट करना है। ऐसा नहीं कि बस केवल UPI ID से 75 रुपये पे कर दो तो आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अदर बाइनेंस एप्लीकेशंस के थ्रू आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड हैं। अगर आपके पास क्वाइन स्विच या ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी टोकन अवेलेबल है, चाहे बिटकॉइन या TRX कोई भी टोकन अवेलेबल है, तो उसी टोकन को $1 में आप लोग यहाँ पर भी डिपॉजिट कर सकते हो। मैं विश करता हूँ आप नए यूज़र हो, आपको कुछ भी नहीं पता ये TRX क्या होता है, ये बिटकॉइन क्या होता है, ये CRX टोकन, ये सब क्या होता है। अगर आप एक नए यूज़र हो, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये किस टाइप का ऑफर है। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अबरा ऐप का लिंक दे करके रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। ट्राई करने के लिए मेरे पास एक सेकेंडरी डिवाइस भी है, उसमें मैं आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, डाउनलोड से लेके KYC से लेके डिपॉजिट तक आपको कैसे कैसे उन स्टेप्स को फॉलो करना है।
एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप एक यूजर हो, ये आपका स्मार्टफोन है, कैसे आप लोग इस वाले ऑफर को ट्राई करोगे वो देखो। आप आइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने आपको अबरा ऐप का लिंक दिया। आप उस वाले लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउजर में एक लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टैप हेयर टू डाउनलोड का एक बटन देखने को मिल जाएगा, आपको पहले इस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे ये वाला अबरा का साइड आपको रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पर से अबरा ऐप को अपने फोन में आप लोगों को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर से इस वाले एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इस वाले ऐप को आपको ओपन करना है। पहली बार इस वाले एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट का एक बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। गेट स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फास्टर नेम लास्टर नेम पूछा जाएगा। तो जो भी आपका यूजर नेम है आप अपने यूजर नेम को यहाँ पर फिल कर दीजिए। यूजर नेम फिल करने के बाद आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी भी फिल करने के बाद यहाँ पर से आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फोन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे टैप कर दीजिए। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसको भी वेरीफाई करना है। उसके बाद एक रेफर कोड, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर फिल नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उस वाले रेफर कोड को आप लोगों को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी रेफर कोड अप्लाई हो जाता है उसको यहाँ पर बस फिल रहने दो, बस यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर टैप कर दो। कंटिन्यू के बटन पर टैप करने के बाद यहाँ पर से आपका 4 डिजिट का पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पर से आप लोग अपने 4 डिजिट के पासवर्ड को 2 बार यहाँ पर से कंफर्म कर लो। कंफर्म कर लेने के बाद जब आप लोग ऐप को जिस टाइम भी ओपन करोगे इस वाले पासवर्ड को फिल करोगे, उसके बाद ही आपका ऐप ओपन होगा। अब यहाँ पर से फंड वगैरह बाय करने के लिए कहा जाएगा, यहाँ पर से रिमाइंड लेटर आ जाएगा, इस पर आप टैप करके आपके होम पेज पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा, कुछ नए नए टर्म एंड कंडीशन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का एक मैसेज आ चुका है, अब आप रेफर भी कर सकते हो इस वाले एप्लीकेशन में। रेफर का प्रोसेस मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले आप साइनिंग का प्रोसेस देख लीजिए। वैसे इस वाले एप्लीकेशन में विदाउट रेफर भी आप इतना इनकम कर सकते हो, तो आप सोच ही सकते हो कि और क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्किप के बटन पर टैप कर देता हूँ। फाइनली एप्लीकेशन को जब आप लोग अपनी अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लोगे, आपका जो मेन इंटरफेस है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। होम पेज पे ही कहा जा रहा है कि अगर आप अबरा ऐप्स की और भी प्रोडक्ट्स और भी फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, यानी आपको KYC वेरीफाई करना है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड या पैन कार्ड और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, जिन डॉक्यूमेंट को फिल करके आप अपनी KYC को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर जो वेरीफाई आइडेंटिटी लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस पर टैप करोगे तो KYC वाले पेज पे चल जाओगे। यहाँ पर कहा जाएगा कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट एंड बैक का एक फोटो क्लिक करना है और बस केवल आपका एक सेल्फी चाहिए। इन्हीं चीजों को फिल करके आप KYC कर सकते हो। तो बस यहाँ पर आप लोग ओके वाले बटन पे टैप कीजिए। ओके वाले बटन पे टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट से आप KYC करना चाहते हो। पहला डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड में 2-3 कार्ड आते हैं, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, और भी कार्ड आते होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड जो नीचे में है उस पर टैप करके आप लोग उस वाले KYC को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर से जो भी कार्ड है आप लोगों के पास उस पर आप लोग टैप कीजिए। देखिए मैं आपको छोटा सा एक KYC करके दिखाता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड वाले बटन पे टैप करता हूँ एंड यहाँ पर से अभी मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को बस केवल आप लोगों को अपने हैंड में ऐसे लेना है और बस इस वाले जो कैमरा ओपन हुआ है इसको बस केवल ऐसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्कैन करेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो इस वाले इमेज में अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं रहा, तो आप दोबारा से रिटैग पे क्लिक करके दोबारा से इमेजेस क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर से मेरा जो इमेज है वो परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के बटन पर टैप करने के बाद अब यहाँ पर से कहा जा रहा है कि उस वाले डॉक्यूमेंट का जो बैक पैनल है उसका फोटो आप क्लिक कीजिए। तो इसी आधार कार्ड को बैक में ऐसे लेना है, ठीक है, और वापस से इसे क्लिक करना है। आधार कार्ड हल्का सा कट हो चुका है, मैं अगेन रिट्राई के बटन पर टैप करता हूँ। अभी भी दोबारा फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अब मेरे हिसाब से परफेक्ट फोटो खिंचाया हुआ है, इसमें जो भी मेरी डिटेल्स हैं वो अच्छी तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन है, आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद कहा जाएगा कि आपका कैमरा ओपन होगा और उसके बाद आपका फेस अच्छी तरीके से, उस फेस को आप डिटेक्ट करा के एक फोटो उसको क्लिक करो, ठीक है, वो भी एकदम सिंपल है, बस आप लोग इजी से कर लोगे। जब आप अपनी फेस को वेरीफाई कर लोगे, सेल्फी जो है वो आप लोग अपनी अपलोड कर लोगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन उसको फिल कर देता हूँ।
उसके बाद जब आप लोग KYC आधा वेरीफाई कर लोगे उसके बाद यहाँ पर से कहा जाएगा आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन रेसिडेंट हो या नहीं। तो यहाँ पर बस आप लोगों को नौ वाले बटन पर टैप करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सेंड कोड के बटन पर टैप कीजिए, अपने जीमेल ऐप को ओपन कीजिए, जो भी वेरिफिकेशन कोड आया हुआ रहेगा आपके पास। मैं यहाँ पर से एक बार वेरीफाई करता हूँ एंड यहाँ पर कोड आ चुका है। कोड वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर से जो मेरा OTP है 644426, मैं यहाँ पर से उसी वाले OTP को यहाँ पर फिल करता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी भी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कहा जाएगा कि जो जो डिटेल्स आपने फिल किया, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो अभी आप लोगों ने KYC किया, ये जो वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहा इस वाले एप्लीकेशन में तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में 1 आवर से 2 आवर्स का समय लग सकता है। अदरवाइज अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो 5 से 10 मिनट में ये आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। गाइस KYC प्रोसेस आपको ज़्यादा लंबा लगा इसलिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को करके दिखाया। अगर आप लोग वैसे जा करके आप लोग अप्लाई करोगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। वो जो स्टेप आपके पास आने वाला है, कौन कौन से डिटेल्स फिल करना है, वो मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी मिस हो जाओगे, ऑफर को आप लोग छोड़ दोगे। मैंने आप लोगों को डिटेल में करके दिखाया एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ टाइम्स का वेट ही किया, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरा जो आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है आपके सामने ही। अब यहां पर मैं ओके के बटन पे टैप करता हूं, मेरा जो KYC वेरिफिकेशन है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब बस केवल जो लास्ट वाला जो काम है, बस केवल मुझे डिपॉजिट करना है, $1 डिपॉजिट करूं या $15 डिपॉजिट करूं, मुझे ये देखना है कि मुझे कहां पर से प्रॉफिट मिल रहा है। डिपॉजिट करने के लिए ऐड मनी का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, ऐड मनी के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहां पर से जो ऊपर में वीजा मास्टर कार्ड और जो बैंक ट्रांसफर है इसमें बहुत दिनों का समय लग जाएगा, तो इन सभी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये जो दूसरे नंबर पे है डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी, इसको मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अब देखिए ये डिपॉजिट, अगर आप लोगों के पास कोई अदर टोकन अवेलेबल है, TRX, बिटकॉइन या अलग अलग टाइप्स के टोकन होते हैं, अगर वो आपके कोई अलग एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, चाहे कॉइन स्विच या ट्रस्ट वॉलेट, तो वहां पर से भी आप लोग उस वाले डिपॉजिट को यहां पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप नए यूज़र हो, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके पास कुछ भी नहीं पता, तो आप ना बाइनेंस का यूज़ कर सकते हो। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है जो आपको कुछ कॉइन्स प्रोवाइड करती है, लेकिन उसको आप बाय कर सकते हो UPI के मदद से। आप अपनी मतलब 70 रुपये 75 रुपये का कैश वहाँ पर दोगे तो आपको TRX टोकन प्रोवाइड कर देगा, उसी TRX टोकन को आप लोग इस वाले अबड़ा एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर पाओगे। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, वैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे ये जो अबरा एप्लीकेशन में कहा जा रहा है कि आपको डिपॉजिट करने के लिए ट्रॉन टोकन चाहिए, इतनी सारे टोकन है, कोई भी टोकन में आप केवल $1 का डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये तो टोकन आपके पास नहीं है, आपने बताया, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक नए यूज़र हो, तो ये टोकन आप लोग कैसे लोगे? मैंने दो ऑप्शन बताया, अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या कॉइन स्विच में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नए यूज़र हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस एप्लीकेशन। इसमें भी आपको छोटा सा KYC कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन कुछ वैसा कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। आप लोग अगर कहोगे तो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा, बट एकदम सिंपल सा मैटर, यहाँ पर 1 से 2 मिनट में ही आपका KYC हो जाएगा। बाइनेंस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पहले USD टोकन बाय करना होगा। यहाँ पर बाय विथ कैश का बटन है, आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है एंड बाय विथ कैश वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप किस करेंसी का टोकन बाय करना चाहते हो, पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यहाँ पर से आप उसी टोकन को बाय करो जो अबरा एप्लीकेशन में अभी अवेलेबल है, क्योंकि अधिकतर टाइम यहाँ पर से अनेबल दिखता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अबरा एप्लीकेशन में TRX टोकन अवेलेबल है या नहीं, तो बस मुझे यहाँ पर से TRX लिखना है। TRX लिखने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि TRX टोकन अभी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर एग्री के बटन पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लीज वेट लिखा हुआ है, कुछ टाइम इसका वेट कर लीजिए। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा टोकन अभी यहाँ पर से अवेलेबल है रिसीव करने के लिए। यहाँ पर देखो गाइस, काफ़ी सारे टोकन देखने के बाद अभी जो XRP टोकन जो होता है वो अभी यहाँ पर से ये XRP डिपॉजिट हो रहा है। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर एग्री नेक्स्ट वाले बटन पर टैप करके एग्री वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से अभी जो XRP टोकन जो है उसको आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो वापस से आप लोगों को बाइनेंस एप्लीकेशन में आना है, वहाँ पर से XRP टोकन सर्च करना है और इसी XRP टोकन को आपको बाय करना है अपने अमाउंट्स को पे करके, जो भी गूगल पे से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर कहा जाएगा XRP को बाय करने के लिए पहले आपको बाय USD करना होगा स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप उसी USD को
XRP में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अब मैं बाय USD वाले बटन पे टैप करता हूँ और एक USD का प्राइस 75 रुपये है, ये $1 का वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पर से ऑलमोस्ट, अब आप देख सकते हो आपको $1 का यहाँ पर से इन्वेस्ट करना है या $15 का। अगर आप लोग $1 का यहाँ पर से इन्वेस्ट कर रहे हो तो 75 रुपये ना करके आप लोग यहाँ पर से 100 रुपये डिपॉजिट करो, ठीक है। 100 रुपये डिपॉजिट करोगे तो बस थोड़ा सा 2-3 रुपये चार्जेस करता है, वो भी कट जाएगा, उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। लेकिन अभी मैं यहाँ पर से डिपॉजिट 100 रुपये नहीं, मैं यहाँ पर से अभी डिपॉजिट करूँगा 1500 रुपये, क्योंकि इसका 1500 रुपये का मुझे कितना डॉलर मिलेगा उसका वो भी मैं देख लेता हूँ। $1 का वैल्यू है 75 रुपये एंड $15 का वैल्यू हो रहा है 1125 रुपये। तो मैं अभी इस वाले एप्लीकेशन में 1500 रुपये डिपॉजिट करूंगा। अब यहाँ पर बाय USD के बटन पे क्लिक करता हूँ। बाय USD के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हो। P2P यहाँ पर से सिलेक्ट रहने देना, बस यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। बस कुछ छोटा सा चार्जेस ये एप्लीकेशन काट लेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद टू पेमेंट पेज वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि इस वाले अकाउंट नंबर पे, इस वाले IFSC कोड पे मुझे अराउंड 1500 रुपये का पेमेंट करना है। ओके वाले बटन पे टैप कर देता हूँ। पहले मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ कैश को। गाइस देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शायद आपको कोई दिखाए या बताए, मैं सोचा आपको बताना चाहिए। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है। देखो, जब आप बाइनेंस ऐप से कोई भी अदर टोकन बाय करोगे, चाहे TRX या कोई भी जिल टोकन कोई भी बाय करोगे, तो जब आप बाय करोगे ना तो आपको वहाँ पर प्राइस बताया जाएगा और एक अकाउंट नंबर वहीं पे ही बताया जाएगा बाइनेंस ऐप में ही। आपको इस अकाउंट नंबर पे, इस IFSC कोड पे 1500 रुपये का पेमेंट करना है। जब आप लोग ये पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अप्रूवल के बटन पे टैप करना है और वहाँ पर कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेंड कीजिए। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद यहाँ पर से टाइमिंग लिखा हुआ है कि ये जो टाइम, मतलब इतने टाइम के अंदर में ये जो आप बाय किए हो, जो भी टोकन बाय किए हो, इतने टाइम के अंदर में ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप इसमें ज़्यादा आप लोगों को झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी कुछ टाइम्स का वेट कर लेता हूँ जब तक ये मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। देखो, अभी जस्ट ही मेरे पास यहाँ पर से बाय का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अकाउंट में 18.90 USD आ चुका है। गाइस, थोड़ी देर के बाद मेरा जो USDT में कैश कुछ आ चुका है, कुछ छोटा सा चार्जेस कटा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस USDT टोकन को अब मैं अपने अब्रा ऐप में सेंड करूँगा। अब्रा ऐप में अभी XRP मैंने सर्च करके दिखाया था, लेकिन XRP में कोई इशू है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो अभी मैं एक कॉइन है, इसको रिसीव करूँगा। आई एग्री के बटन पर टैप कर देता हूँ एंड यहाँ पर से मुझे QR कोड मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, इस ये जो मुझे USDT टोकन मिला हुआ है, इसको SC कॉइन में पहले कन्वर्ट करूँगा। मार्केट में मुझे आना है एंड यहाँ पर बस केवल सर्च बार में SC लिखना है, ऊपर में SC कॉइन आ जाएगा। बस इसको USDT को आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर नीचे में आ जाएगा बाय का बटन, आपको बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। इसको आप लोगों को 100 सेलेक्ट कर देना है और नीचे आप लोगों को मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर से बाय SC कॉइन वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग बाय SC कॉइन वाले बटन पे क्लिक करोगे, कुछ टाइम्स का वेट कीजिए और यहाँ पर आप लोग देखोगे $17 आपके SC कॉइन में आ चुका है। अब आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर विड्रॉल के बटन पे टैप कीजिए, QR कोड स्कैन कीजिए। ये वाला QR कोड इस वाले स्मार्टफोन में अभी मैंने ओपन करके रखा है, इसको स्कैन मैंने यहाँ पर से कर लिया और यहाँ पर से मैक्स वाले बटन पे टैप कर देता हूँ। और बस अब बाइनेंस से विड्रॉल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो फ़ोन नंबर, जो ईमेल आईडी आपने फिल किया था, उस पर आप लोगों को एक OTP को सेंड करना है। उसी OTP को यहाँ पर आप लोगों को फिल करके पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। फाइनली अब ये जो विड्रॉल प्रोसेस है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मुझे अराउंड 30 मिनट का वेट करना है। 30 मिनट के बाद ये जो मैंने यहाँ पर से टोकन बाय किया SC कॉइन, ये यहाँ पर से इस वाले अकाउंट में आ जाएगा। गाइस, यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई और बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप लोग जब एक बार कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ऐसे मैंने बाइनेंस के थ्रू XRP टोकन और SC टोकन को मैंने बाय किया। अदरवाइज आप नॉर्मली बस केवल ऐड मनी के बटन पे क्लिक करके, डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर से TRX टोकन को भी खरीदोगे ना,
तो ये बहुत इजी लगेगा, बट उस टाइम मैंने आप लोगों के सामने चेक करके दिखाया था TRX टोकन बाय नहीं हो रहा था। किसी किसी टाइम में TRX टोकन भी बाय होता है, डिपॉजिट कर पाओगे आप, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो सॉरी हो रहा, TRX डिपॉजिट एड्रेस टेम्प्रोरी एनेबल, अभी ये जो एड्रेस है ये अनेबल है, लेकिन यहाँ पर से जो मैंने डिपॉजिट है $15 का वो यहाँ पर से कर लिया है इस वाले अकाउंट में, मतलब इस वाले स्मार्टफोन में कहा जा रहा है कि आपको तकरीबन 30 मिनट का वेट करना है। चलिए 30 मिनट का मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कराता हूँ। गाइस फाइनली 1 आवर्स का समय लगा इस वाले ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट होने में। अब फाइनली ये जो अबरा अकाउंट मैंने आपके सामने जो नया क्रिएट किया था इसमें अराउंड 1373 रुपये का कैश अवेलेबल हो चुका है, जो मैंने यहाँ पर से अराउंड 1500 रुपये के लमसम में खर्चा किया था, लेकिन थोड़ा बहुत एयर ओवर चार्जेस कट चुका है। अब यहाँ पर से जैसे ही आपका इस वाले अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, हालांकि मैंने आप लोगों को बाइनेंस से करके दिखाया, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप इजी से भी डिपॉजिट कर पाओगे। अब यहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद कुछ छोटी सी और मैटर है जिन्हें आप अप्लाई कर लेना। यहाँ पर आप लोग इस वाले ऐप को ओपन कर लेना, अबरा एप्लीकेशन को, 3 डॉट के बटन पे आप लोगों को टैप करना है, रेफर एंड अर्न का एक बैनर देखने को मिल जाएगा, इस पे टैप कीजिए। रेफर एंड अर्न के बैनर पे टैप करने के बाद अभी जो मेरे पास जो CPRX जो बैलेंस है वो 00 देखने को मिल रहा है। अब आपको 1 डे का होल्ड करना है, जैसे ही आप लोग 1 दिन होल्ड कर लोगे यहाँ पर आपके पास कुछ बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, मैं अपने अकाउंट्स को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो CPRX पेंडिंग बैलेंस है वो है 84 और इस वाले अकाउंट में अभी 00 CPRX बैलेंस शो हो रहा है। तो अगर आप लोग 1 दिन का होल्ड करोगे तो यहाँ पर कुछ CPRX बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप रेफर एंड अर्न करना चाहते हो तो इसमें रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है, उसको भी आप लोग यहाँ पर से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये जो बैलेंस आपको मिला हुआ है इसको आप चाहो तो यहाँ पर विड्रॉल के बटन पर टैप करके विड्रॉल कर सकते हो, अदरवाइज ये जो CPRX बैलेंस आपको मिला हुआ है कंपनी की तरफ से बोनस के तौर पर उसको आप लोग विड्रॉल करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं खुद से अलग से क्रिएट करके आप तक शेयर करूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारा प्रोसेस बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। अभी बस इतना कहना चाहता हूं आप लोग इस वाले ऐप को डाउनलोड कीजिए और जैसा मैंने डिपॉजिट यहां पर से $20 यानी 1500 रुपए का किया था, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिपॉजिट कितने रुपए का करो। अगर आप $1 $75 का डिपॉजिट करना चाहते हो तब पर भी ठीक है, लेकिन $1 डिपॉजिट करोगे तो आपको $15 मिलेगा, अदरवाइज अगर आप $15 डिपॉजिट करो तो टोटली आपको $40 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये जो अबरा एप्लीकेशन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को सारे डिटेल में बता दिया है, अगर अभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बताना मैं भूल गया उसे आप इग्नोर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन इस वाले एप्लीकेशन के ऊपर है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी बस आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपने इस वाले एप्लीकेशन में $15 इन्वेस्ट कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, तो आप लोग 1 मंथ का वेट कीजिए। यहां पर ऐप के अंदर साफ साफ कहा गया है कि डिपॉजिट करने के बाद आपको 30 दिन का आप लोगों को वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आपको और एक्स्ट्रा में CPRX टोकन मिल जाएगा जिसका विड्रॉल प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अभी जाके इस वाले ऑफर को ट्राई कर लीजिए, जितना हो सके आप लोग अभी इनकम जनरेट करते रहिए, इसी को करने के बाद आप लोग अपने मेन अकाउंट से और घर में 2-3 स्मार्टफोन है उसमें भी आप लोग रेफर करना चाहो तो उसमें भी आप लोग रेफर कर सकते हो। बस यही है डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप लोगों के पास कोई ट्रस्ट वॉलेट में या कॉइन स्विच में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो अगर आप लोग उससे विड्रॉल करोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अचीव कर पाओगे। जैसे आप लोग देखो अभी 1300 रुपये पैसा था तो 1400 रुपये इंक्रीज हो चुका है, पैसा अप डाउन होते रहता है। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो उसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए इसी तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाले बैल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं अपने चैनल पे किसी भी टाइम एक नई वीडियो अपलोड करूं एग्जैक्ट उसी टाइम उस वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। तो बस आज वाले इस वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक्साइटेड वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।